गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश यूपी बोर्ड JNCERT बेस्ड आपका न्यू सिलेबस आया हुआ है। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था, आज हम लोग सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। बच्चों आपका ए सेकंड चैप्टर था लास्ट स्प्रिंग, आपका कौन सा चैप्टर है बच्चों? लास्ट स्प्रिंग प्रोज का मीन्स फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग है आपका। इसमें जो है हमने पिछले वीडियो में जो है हमने इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन कराया था। 2 घंटे की वीडियो थी, पिछले वीडियो में हमने 2 घंटे की हिंदी एक्सप्लेनेशन कराया था इसका पूरा। इस चैप्टर को पूरा हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन कराया था, एक एक वर्ड की मीनिंग तक हमने बताया था। तो इसलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं कि आपके क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहां से वीडियो को चेक कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। और इसका फर्स्ट चैप्टर भी करा दिए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, हिंदी एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेस्ट सारी वीडियो मैंने उसमें डाल दी है प्लेलिस्ट में, आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। और बच्चों जो आज हम लोग चलने वाले हैं, आज आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आज इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मींस लास्ट स्प्रिंग का आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट स्प्रिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे बच्चों। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका लास्ट स्प्रिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये देखिए 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आज 10ों का हम लोग उत्तर देखेंगे, एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मीन्स इसका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में बच्चों खत्म करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोग जो है आराम से धीरे धीरे करके इसे लिखिएगा, ठीक है? तो इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल कलर की बटन दिख रही होगी उसे दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को शेयर अवश्य करेंगे। इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, जितने भी आपके साथी क्लास 12th के जितने भी आपके साथी हैं प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि जितनी बच्चों का भला हो सके इस जो है, क्योंकि बच्चे कोचिंग स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, तो जितनी ही बच्चों का भला हो सके तो आप अपने से कम कोशिश करिएगा 2-4 बच्चों का भला हो सके। मीन्स उन तक वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, ये आपसे मेरी निवेदन है, विनती आपसे है। तो वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, जितने भी आपके साथी आ रहे हैं शेयर अवश्य करिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड एनीस जंग साहब से क्यों पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। मीन्स एनीस जंग ने स्कूल के बारे में साहब से क्यों पूछा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, और इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट मीन्स बच्चों क्या होता है प्रभाव, मीन्स एनिस जेंग ने जो है साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, और पूछने के बाद साहेब का पर क्या उसका प्रभाव पड़ा था, स्कूल का क्या प्रभाव पड़ा था। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग चलते हैं इसके उत्तर पर। बच्चों इसका उत्तर यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये देखिए लास्ट स्प्रिंग इंग्लिश क्लास 12th यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये हमने क्वेश्चन भी इसमें लिख दिए हुए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन तो आप लोग को हमने किताब से ही दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर भी लिख दिए हुए हैं, तो आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ भी लिख दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर का उत्तर का हम लोग चलते हैं कि एनिस जंग ने जो है उससे साहब से क्यों स्केल के बारे में पूछा था और उसका प्रभाव क्या पड़ा था। तो इसके उत्तर देखते हैं, एनिस जंग आस्क्ड अबाउट द स्कूल, एनिस जंग ने स्कूल के बारे में पूछा बिकॉज, क्योंकि साहब रिप्लाइड, साहब ने उत्तर दिया था टू हर मीन्स उसे, दैट ही वॉज नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट रैग पिकिंग, कि वह कुछ नहीं करता है, ही हैज नथिंग एल्स टू डू, वह कुछ नहीं करता है एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, रैग पिकिंग मीन्स बच्चों क्या होता है कूड़ा करकट उठाने, कूड़ा करकट उठाने के सिवाय वह कुछ और नहीं करता है, ऐसा उसने जो है इन्हीं जंग से कहा। इसीलिए उन्होंने पूछ दिया था कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। वो क्यों पूछा था, क्योंकि बच्चों जो है उसने जवाब क्या दिया था कि वह कुछ नहीं करता है रैक पिकिंग के सिवा, मीन्स कूड़ा करकट उठाने के सिवा और कुछ नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने पूछा हुआ था उससे जो है। और उसका प्रभाव क्या पड़ा था बच्चों, उसका जो है बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, हम लोग उसके बारे में जरा देख लेते हैं। इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव ऑन साहेब और साहेब पर वाज दैट, यह था कि ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट स्कूल, वह स्कूल के बारे में बहुत उत्सुक हो गया था।
एंड ही ऑल्सो प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया हरमिंसु से दैट ही विल गो टू स्कूल, कि वह स्कूल जाएगा, इफ एनी वन बिल्ड इट, यदि कोई उसे बनवा देता है। और उसने जो है वादा किया था इन जंग से कि वह स्कूल जाएगा, यदि स्कूल को कोई बनवा देता है तो वह स्कूल अवश्य जाएगा। तो बच्चों ये उत्तर इसका हो गया। उत्तर क्या हो गया कि इन जंग ने जो है साहब से क्यों स्कूल के बारे में पूछा, क्योंकि जो है साहब ने क्या कहा था कि वह रैक पिकिंग के सिवाय, मीन्स कूड़ा करकट उठाने के सिवाय और कुछ नहीं करता है, इसलिए उन्होंने पूछा था। और उसका प्रभाव क्या पड़ा, वह जो है स्कूल के बारे में बड़ा उत्सुक हो गया था, और वह वादा किया था इन जंग से कि वह कोई यदि जो है स्कूल बनवा देगा तो वह स्कूल अवश्य जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका पहले का उत्तर, पहले क्वेश्चन का बच्चों ये उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बच्चों चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बच्चों हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। व्हाई डिड साहेब, क्यों साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, और दूसरे कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे नॉट वियर चप्पल्स, चप्पल नहीं पहनते थे, मीन्स साहेब और अन्य कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, उन्होंने क्या बहाना इसके लिए दिया, मीन्स क्या कारण दिया कि वह क्यों नहीं चप्पल पहनते हैं। मीन्स यहाँ पर इन्हीं जंग क्वेश्चन करती हैं, व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, साहेब और अन्य कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे क्यों नहीं चप्पल्स पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, इसके पीछे उन्होंने क्या कारण दिया, मीन्स चप्पल ना पहनने के पीछे बच्चों ने क्या कारण दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इसके आंसर की तरह, और इसके आंसर क्या हो जाएगा बच्चों जरा बताओ मुझे, रैग पिकर्स क्यों जो है क्या बहाना बताए थे, उन्होंने बहाना बना दिया था कि उनका ट्रेडिशन है, परंपरा है, ठीक है। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, उन्होंने क्या बता दिया था कि ये उनका परंपरा है, तो यही उन्होंने बहाना बनाया हुआ था। तो इसके उत्तर पे हम लोग चलते हैं बच्चों, दूसरे के क्वेश्चन नंबर दो के उत्तर पे हम लोग चल क्वेश्चन नंबर दो का बच्चों ये उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। साहब एंड अदर रैग पिकर्स, साहब और अन्य कूड़ा करकट वाले बच्चे Did not wear चप्पल्स, चप्पल्स नहीं पहनते थे, बिकॉज क्योंकि इट वॉज देयर ट्रेडिशन, यह उनकी परंपरा थी, क्यों नहीं पहनते थे क्योंकि यह उनकी परंपरा थी। एंड द बॉय सिंपली रिप्लाइड, और क्योंकि बच्चे आसानी से उत्तर दे देते थे, दैट हिज मदर, कि उनकी माँ डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, वह सेल्फ से में से नीचे नहीं उतारती हैं। सेल्फ मीन्स ताक, ताक क्या होता है बच्चों, जहाँ किसी चीज को सुरक्षित रखते हैं उसे सेल्फ कहते हैं, मीन्स ताक कर ताक कहते हैं। तो और एक बहाना क्या देते थे कि उनकी माँ जो है ताक से उन चप्पलों को उतारती नहीं थी। तो बच्चों रैग पिकर्स ने क्या बहाने दिए कि उन्होंने कह दिया कि ये उनकी परंपरा है और उनकी माँ जो है ताक से चप्पल को उतारती नहीं थी, उनकी माँ ताक से चप्पल को उतारती नहीं थी। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं बच्चों। बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हाउ मेनी रैग पिकर्स, कितने कूड़ा करकट बीनने वाले यूज टू लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहते थे, कितने कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे सीमापुरी में रहते थे। दिल्ली मीन्स दिल्ली के पास, दिल्ली के पास सीमापुरी में कितने कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे रहते थे। हाउ डिड दे सेटल दियर, वे वहाँ कैसे सेटल मीन्स रह गए थे, निवास करने लगे थे, वह वहाँ पर कैसे निवास करने लगे थे। बच्चों क्वेश्चन फिर से समझो, एकदम अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग इसके उत्तर पे चलेंगे, इतना हड़बड़ी में जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझो फिर खुद आप उत्तर दे लोगे, आपने पढ़ा होगा तो खुद आप उत्तर दे लोगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी रैग पिकर्स, कितने कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे यूज टू लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहते थे, दिल्ली मीन्स दिल्ली के नजदीक सीमापुरी में रहते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहां पर कैसे जो है रहने लगे थे। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग उत्तर देखते हैं। उत्तर पे चलने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। लाल बटन की एक बटन दिख रही होगी रेड कलर की, आप उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं। हाउ मेनी रैक पिकर्स, हमने आपको क्वेश्चन बता दिया था कितने रैक पिकर्स थे, 10,000। तो दिए लेफ्ट 10,000 रैक पिकर्स, वहां पर कितने रैक पिकर्स रहते थे, कूड़ा करके बिटाने बीनने वाले बच्चे कितने रहते थे, 10,000 बच्चे रहते थे इन सीमापुरी डेली, डेली मीन सीमापुरी, डेली के नजदीक सीमापुरी में 10,000 रैक पिकर्स रहते थे। अब उसका दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछा था, हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहां पर कैसे आखिर बस गए थे। बच्चों मेरे प्यारे बच्चों बताओ कैसे आखिर बस गए थे, क्योंकि वहां पर जहां पर वे बांग्लादेश ढाका में रहते थे वहां तूफान उफान बहुत आते थे, घरों को खेतों को उड़ा करके लेके चले जाते थे, इस प्रकार वे सीमा पूरी दिल्ली आ गए अपनी रोजी रोटी के लिए। यही बच्चों यही कारण था ना, हमने आपको बताया था जब हमने इसका पैसेज पढ़ाया था, हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था, हमने आपको अच्छे से सारी चीजों को समझाया था, आप नहीं समझे होगे तो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दी रैक पीकर्स वर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। रैक पीकर कहाँ से बिलोंग करते थे, ढाका से इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करते थे, मीन्स वहां के रहने वाले थे। दियर होम्स एंड फील्ड्स, उनके घर और खेत वर रियूंड मीन्स बर्बाद हो गए, बाय दी स्टॉर्म्स मीन्स तूफान के माध्यम से, उनके घर और खेत तूफान से बर्बाद हो गए। एंड दी अराइव्ड हियर इन सीमापुरी, और वे यहाँ पर आ गए, कहाँ पर आ गए बच्चों, सीमापुरी में वे आ गए, इस प्रकार वे सीमापुरी में आ गए। तो बच्चों इसका उत्तर फिर से एक बार समझ लो, हाउ मेनी रैक पीकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी, कितने रैक पीकर रहते थे सीमापुरी में और वे कैसे वहां पर आके बस गए थे। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, दे लिव्ड 10,000 रैक पीकर्स इन सीमापुरी डेली, दी रैक पीकर्स वर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, देयर होम्स एंड फील्ड्स वर रियूंड बाई दी स्टॉर्म्स एंड दे अराइव्ड हियर इन सीमापुरी। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं उत्तर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ जाते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट बच्चों, गार्बेज मीन्स क्या होता है, कूड़ा करकट। व्हाट वॉज द मीनिंग, क्या अर्थ था ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट का फॉर चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वे इसके अंदर क्या पाए थे, उन्हें इसके अंदर क्या मिलता था। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों जरा बताओ कि जो है उनके लिए कूड़ा करकट क्या था, उन बच्चों के लिए, उनके लिए कूड़ा करकट रहस्यों से भरा हुआ था ना, रहस्यों से भरी हुई चीज थी उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए कूड़ा करकट क्या होता है, रहस्यों से भरी हुई चीज थी। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उसके अंदर क्या पाते थे, कभी 1 रुपए पा जाते थे या 10 रुपए पा जाते थे, 10 रुपए की नोट भी मिल जाती थी, या कभी कभी कॉइन भी मिल जाता था, सिल्वर कॉइन भी मिल जाता था, चांदी का सिक्का भी मिल जाता था, यही बच्चे वहां पर पाते थे ना। तो इसका उत्तर हमने आपको बता दिया, अब इसका लिख करके बता देते हैं कि इसका उत्तर किस तरह से होगा, चौथे क्वेश्चन का उत्तर। बच्चों चौथे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं, द मीनिंग ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट का अर्थ फॉर चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों के लिए वाज मीन्स था, कूड़ा करकट का अर्थ बच्चों के लिए था रैप्ड इन वंडर मीन्स आश्चर्य से ढकी हुई चीज थी, मीन्स बच्चों के लिए कूड़ा करकट क्या था, आश्चर्य से भरी हुई चीज थी। और वे उसके अंदर दूसरा, इतने पहले क्वेश्चन का बच्चों उत्तर हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वे इसके अंदर क्या पाते थे, तो क्या पाते थे मेरे प्यारे बच्चों, दे फाउंड अ रूपी या 10 रूपी नोट इन इट, वे इसके अंदर 1 रुपए या 10 रुपए की नोट पा जाते थे, 1 रुपए या 10 रुपए की नोट पाते थे, तभी तो उन्हें आगे खोजने की लालसा होती थी। अगर 1 रुपए की नोट पा जाते थे तो फिर आगे उम्मीद करते थे कि 10 रुपए की नोट मुझे मिल जाए, अगर 10 रुपए की मिल जाती थी तो वे उम्मीद करते थे कि उन्हें कोई और 10 रुपए की नोट मिल जाए। मीन्स कहते ना, जब इंसान की जो है, अगर आपको कुछ मिलता चला जाता है तो आपकी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं, आपका लालच बढ़ता चला जाता है। जैसे आपके पास अगर 100 रुपए है तो आप चाहोगे 1,000 रुपए कमाने, अगर 1,000 रुपए आपके पास हैं तो आप चाहोगे करोड़ रुपए, लाख रुपए कमाने, अगर आपके पास लाख रुपए आ गए तो आप चाहोगे करोड़ कमाने, करोड़ हो गए तो आप खरबों में कमाना चाहोगे। मीन्स इंसान बहुत लालची होता है, स्वार्थी इंसान होता है। तो यहाँ पर भी अगर इंसान को कोई मीन्स बच्चे को मिल जाता था 1 रुपए, फिर उम्मीद करते थे आगे भी मिल जाए,
एंड समटाइम्स अ सिल्वर क्वाइन, और कभी कभी क्या मिल जाता था मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें सिल्वर क्वाइन मीन्स चांदी का सिक्का भी कभी कभी मिल जाता था। उन बच्चों को कभी कभी क्या मिल जाता था, चांदी के सिक्के भी मिल जाते थे। तो फिर से एक बार उत्तर जरा देख लो। द मीनिंग ऑफ गार्बेज मीन्स गार्बेज का अर्थ, फॉर चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों के लिए, वाज मीन्स था, रैप्ड इन वंडर मीन्स आश्चर्य से भरी हुई चीज थी। दे फाउंड अ रूपी या 10 रूपी नोट इन इट, वे इसके अंदर 1 रुपए या 10 रुपए की नोट पा जाते थे। एंड समटाइम्स अ सिल्वर क्वाइंस, और कभी कभी इसके अंदर क्या पा जाते थे, सिल्वर का सिक्का भी पा जाते थे। ये बच्चों हो गया चौथे क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं बच्चों पांचवें क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ जाते हैं। और पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, जो भी बच्चे अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दो यार। इतनी मेहनत करके हम वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, मुझे बार बार कहना पड़ता है शेयर करने के लिए, आप लोग शेयर अवश्य करें। जो भी बच्चे आपके साथ हैं, आप अपने ग्रुप में शेयर करें, एक ग्रुप बना लें अपने बच्चों के साथ, आप ग्रुप बना लें स्कूल कॉलेज के, तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें, उनसे कहें जो है आप यहाँ से पढ़िए, जो है सारी क्लासें मिल रही हैं आपको। आप लोगों को यार, आप अगर दूसरे का भला करोगे तो आपका खुद का भी भला होता है, तो इसलिए जो है आप अन्य बच्चों की भी मदद किया करो। फिर हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो। व्हाई डिड साहब साहब क्यों ज्वाइन दी जॉब एट मिल्क बूथ। मिल्क बूथ पर मीन्स दूध के बूथ पर, दुकान पर, बूथ मीन्स बच्चों क्या होता है, दुकान। बूथ मीन्स क्या होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बूथ मीन्स क्या होता है, दुकान होता है। व्हाई डिड साहब ज्वाइन दी जॉब एट मिल्क बूथ मीन्स जो है दूध के दुकान पर साहब ने क्यों नौकरी को ज्वाइन कर लिया था, मीन्स नौकरी क्यों किया था। व्हाट वॉज ही पेड फॉर हिज सर्विस, अपनी नौकरी के लिए उसे तनख्वाह कितनी मिलती थी। एक तो पहला क्वेश्चन बच्चों पूछा कि साहब ने दूध की दुकान पर क्यों नौकरी की, और दूसरा क्वेश्चन उसे कितना मिलता था, अगर नौकरी भी की तो उसे कितना रुपए मिलता था। तो बच्चों आप खुद बताओ, दूध की दुकान पे क्यों नौकरी की, क्योंकि उसे और पैसे की जरूरत थी, इसलिए तो नौकरी की। कूड़ा करकट बीन करके उसे मिल नहीं पा रहा था, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, अब उसे और उस पैसे की जरूरत थी इसीलिए उसने नौकरी की। और उसके बाद व्हाट वॉज ही पेड फॉर हिज सर्विस, उसके लिए कितना दिया जाता, 800 रुपीज दिया जाता था ना, तो हमने आपको पढ़ाया था उस पैसेस को, तो कितना उसे पेड किया जाता था, 800 रुपीज। तो बच्चों इसका उत्तर तो हमने आपको बता दिया, मुहज़बानी आपको हमने बता दिया। अब हम लोग जो है इसका लिखा हुआ उत्तर देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों ये आपका पांचवें क्वेश्चन का उत्तर है, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर यहां से है। देखो कितने प्यारे प्यारे हमने शब्दों में लिखा हुआ है आपके लिए ना, इतनी मेहनत करके लिखी हुई है ना, तो चलो देख लो तब से। साहेब ज्वाइन दी जॉब, साहेब ने जॉब को इसलिए ज्वाइन किया था एट मिल्क बूथ मीन्स दूध की दुकान पर, बिकॉज क्योंकि ही हैड नीड ऑफ मोर मनी, उसे अधिक पैसे की आवश्यकता थी। तो साहेब ने मिल्क बूथ पे इसलिए नौकरी ज्वाइन किया था क्योंकि उसे और अधिक पैसे की आवश्यकता थी। एंड मील्स फॉर हिम, और भोजन की आवश्यकता थी उसे खाने के लिए। एंड ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसे कितना रुपये दिया जाता था, पेड किया जाता था बच्चों, 800 रुपए उसे अपनी सर्विस के लिए पेड किया जाता था। अपनी सर्विस के लिए उसे 800 रुपीज पेड किया जाता था, मींस दिया जाता था। एक क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों उत्तर हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। यहीं से चलें क्या, यहीं से क्वेश्चन आपके चलें, यहीं से किताब में देखने की क्या जरूरत है, लास्ट में फिर एक बार आपको दिखा देंगे, वही सारे क्वेश्चन है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई थिंक आपको किताब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहीं से चलते हैं, आप लोग किताब से मिलाते चलिएगा, किताब आप नई वाली ले लीजिए और किताब से मिलाते चलिए। और क्वेश्चन नंबर तो हमने आपको यहीं से दिखाई देने हैं, 6 है आपको, हम यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, तो क्वेश्चन भी हमने लिखा हुआ है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग इससे परेशान ना होना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 6 को देख लो जरा। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, हु वाज मुकेश मीन्स मुकेश कौन था, वे डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से निवास करने वाला था, वे डिड ही बिलोंग, बिलोंग मीन्स रहने वाला, मुकेश कहाँ का रहने वाला था। एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन, और उसकी इच्छाएं क्या थी, उसका एम्बिशन क्या था, उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। मेरे प्यारे बच्चों पहले तो मुझे मुकेश बताओ कौन था,
मुकेश एक जो है गरीब परिवार से बिलोंग करता था ना, जिसके माता पिता बैंगल्स बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे ना, ये तो उसका परिचय हो गया। अब वेयर डिड ही बिलोंग, ये तो हो गया। एंड वह कहाँ से बिलोंग करता था? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फिरोजाबाद से बिलोंग करता था ना, जहाँ की चूड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध होती हैं। ये हो गया इसका उत्तर, हो गया। एंड वाट वॉज हिज एम्बिशन, उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य क्या था बच्चों? मोटर मैकेनिक बनने की लक्ष्य थी ना। हमने बहुत मेहनत करा के आपको पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जाकर के पीछे अवश्य वीडियो देखिए। 2 घंटे की हिंदी हमने एक्सप्लेनेशन आपको कराया हुआ था, पूरी मेहनत रात भर जग के लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन कराए हुए थे। तो आप जाकर के उस वीडियो को अवश्य देखिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन 2 घंटे का। तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। प्लेलिस्ट में से जाकर के आप क्लास 12th का भी देखोगे तो एक बना हुआ है प्लेलिस्ट आपके लिए, तो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, वह क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इसका उत्तर देख लो। मुकेश वाज दी सन ऑफ पुअर फैमिली, मुकेश बेटा था, एक गरीब परिवार का बेटा था। हुज फादर, जिसके पिता वाज पुअर बेंगल मेकर, जिसके पिता गरीब चूड़ी बनाने वाले थे इन फिरोजाबाद। कहाँ में? फिरोजाबाद में, जिसके पिता एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। एंड हिज एम्बिशन, उसका उद्देश्य वास बी कम बनना था अ मोटर मैकेनिक। क्या? एक मोटर मैकेनिक मीन्स मोटर बनाने वाला। मीन्स उसका उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों? कि मोटर बनाने वाला बन जाए, मीन्स मोटर मैकेनिक बन जाए। और उसका फाइनल उद्देश्य क्या था बच्चों? मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपना था, उद्देश्य था। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ने से पहले फिर दोबारा कहेंगे, जो भी बच्चे अभी चैनल को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। वाई डिड मुकेश, मुकेश क्यों वॉलेंटियर टू टेक द नरेटर होम? नरेटर मीन्स कहानीकार, कहानीकार मीन्स इनी जंग को घर क्यों ले जाना चाहता था? मुकेश इनी जंग को घर क्यों ले जाना चाहता था? हु वर देयर इन दी होम, उसके घर में कौन कौन से थे मेरे प्यारे बच्चों? अब जरा बताओ, मुकेश क्यों घर ले जाना चाहता था? सबसे बड़ा रीजन था कि मुकेश का घर बन रहा था, उसका घर बना हुआ था, उस घर को दिखाने की लालसा थी। हालांकि माना कि उसका घर बहुत अच्छा नहीं था, VIP नहीं था, लेकिन मुकेश के लिए बहुत चीजें थी। बदबूदार था, जो गली उली बदबूदार थी, एक मतलब बहुत थर्ड क्लास का घर था, लेकिन फिर भी मतलब एक बच्चे का होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ बन जाए ना, परिवार में कुछ हो ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सेम फीलिंग सेम मुकेश के साथ था। तो उसने भी दिखाने चाहते हैं, छोटे बच्चे जो कुछ हो जाता है घर में, सबको बताते हैं कैसे ऐसे मेरे घर हुआ, वैसे हुआ, तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी मुकेश भी जो है इन्हीं जंग को इसीलिए ले जाना चाहता था कि ताकि वह अपने घर को जो बना हुआ है उसे दिखा सके, इसलिए वह बड़ा प्रसन्न था। हु आर देयर इन दी होम, उसके घर में कौन कौन से थे? उसकी मम्मी थी, उसके दादाजी थे, दादी थे, दादा तो नहीं थे क्योंकि दादा की जो है ब्लाइंड हो गए थे, तो जो है ग्रैंड मदर थी, जो है बड़ा भाई था, बड़े भाई की पत्नी थी, यही सारे लोग थे ना। तो हमने उसके बारे में भी आपको बताया हुआ, तो उसके बारे में चलते हैं हम लोग देख लेते हैं। चलो देखो बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। मुकेश वॉलंटियर टू टेक दी नरेटर, मुकेश नरेटर को ले जाना चाहता था होम इज घर, बिकॉज ही फेल्ड वेरी हैप्पी, क्योंकि वह बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा था। एंड प्राउड फॉर हिज होम वॉज रिबिल्ट, क्योंकि उसका घर क्या हो रहा था? पुनर्निर्माण हो रहा था। रिबिल्ट मीन्स पुनर्निर्माण होना, क्योंकि उसके घर पुनर्निर्माण हो रहा था, इसलिए वह बड़ा अपने आप को स्वाभिमान महसूस कर रहा था, गर्वान्वित महसूस कर रहा था कि हम इन्हें अपने घर ले जा रहे हैं। इस बात का उसे क्या था बच्चों? गर्व था। अब उसके बाद हु वाज देयर इन दी होम, उसके घर में कौन कौन थे उसे देख लेते हैं। देयर वर फादर ऑफ मुकेश, कौन था? मुकेश के पिता थे। हिज ग्रैंड मदर, उनकी मुकेश की दादी थी। एल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा भाई था। एंड वाइफ इन हिज इन दी होम, और उस बड़े भाई की पत्नी थी। इतने लोग थे, कौन कौन प्यारे बच्चों? हो गया दियर वर फादर ऑफ मुकेश, मुकेश के पिता, मुकेश की दादी, एल्डर बड़ा भाई, और मुकेश की जो है बड़े भाई की पत्नी, यही लोग थे ना, ठीक है। और इसी समय बच्चों घूंघट वाली बात आती है, मुकेश की जो भाई की पत्नी थी, तो घूंघट जब बड़े आते हैं तो घूंघट लगा लेती है,
और एकदम बेचारी थकी थकी सी रहती है, कंडीशन घर की खराब रहती है, कम उम्र में शादी हो गई है और जिम्मेदारी पूरी आ गई है, वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से चित्रण किया गया था। मीन्स पहले की कंडीशन को कितने प्यारे ढंग से दिखाया गया है, बच्चियों को जब कम उम्र में शादी कर दी जाती है तो क्या कंडीशन होती है, जिम्मेदारियाँ कितनी आ जाती हैं, तो इसलिए वहाँ बड़ा प्यारे कंडीशन बहुत बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और बच्चियाँ जितनी होती हैं बहुत प्यारी बच्चियाँ होती हैं, मीन्स एक परिवार को संभालना जो है बहुत बड़ी बात होती है। मीन्स आप लोग बच्चों अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन एक बच्ची जो है जिस ढंग से पूरे परिवार को संभाल लेती है, अगर चाहे घर को बहुत अच्छा भी बना सकती है, नहीं चाहे तो घर को बहुत तहस नहस भी कर सकती है। तो एक लड़की की इसलिए जिम्मेदारी हो जाती है, लड़कियों को शिक्षित होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वो दो घरों को रोशन करती हैं, एक जिस घर में रहती हैं, जिस घर में पैदा होती हैं, उस घर को भी रोशन करती हैं, उस घर वाले भी गौरवान्वित महसूस करते हैं जब बेटी खुश होती है, और जिस घर में बेटी की ब्याह होता है, जिस घर में शादी होती है, जिस घर में ब्याह करके जाती है, उस घर वाले भी उस पर नाच करते हैं जब वो खुश करती है, आगे खुश करती है, और दोनों लोग घर को कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। तो ये हो गया बच्चों, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ठीक है, सारी चीजें हो जाती हैं कभी कभी, ये ठीक है बच्चों, आप लोग समझते हो, आप लोग सारी चीजों को बड़े हो जाओगे तो सारी चीजें समझोगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। इट इज हिज कर्म, यह उनके भाग्य है, कर्म है, हिज डेस्टिनी, यही उनका भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। हु सेड, इसे किसने कहा था, एंड वाई, और क्यों कहा था। मेरे प्यारे बच्चों, इट इज हिज कर्म, यह उनका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उनका भाग्य है। हु सेड इट, उसकी दादी माँ कही थी ना, मुकेश के दादी माँ बच्चों कही थी ना कि यही उनका भाग्य है, यही कर्म है जो है उनका, क्योंकि दादा, मुकेश के दादा की आंखें पॉलिश करते समय, ग्लास पॉलिश करते समय, बैंगल्स पॉलिश करते समय उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो फिर उसी पे कही थी यही उनका कर्म होता है, यही उनका भाग्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही हो जाएगा ना उत्तर। हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, हम लोग उत्तर देख लेते हैं, आप लोग भी थक जाते होगे ना, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग थक जाते होगे, आप लोग बड़ी समस्या है, पढ़ाई लिखाई बड़ी समस्या है ना, समझते हैं आप लोग का दिल दिमाग तो लगता नहीं होगा, ये जो एज आपकी होती है ना बड़ी उफान तूफान वाली अवस्था है, तो थोड़ा सा अपनी उफान तूफान वाली अवस्था को कंट्रोल किया रखा करो, समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं, आप लोग सब कुछ समझते हो बस कहते नहीं हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए जो है सिर्फ पढ़ाई के सिवा और कहीं ध्यान नहीं आपका जाना चाहिए, पढ़ाई केवल पढ़ाई पढ़ाई आपके दिमाग के चलना चाहिए। तो हम लोग इसके उत्तर पे आ जाए ना, अब आ जाए ना, बहुत बात कर लिए ना, चलो आ जाते हैं। मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, मुकेश की दादी माँ ने यह कहा था, क्यों कहा था। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यही उनका कर्म है, यही भाग्य है, मुकेश की दादी ने कहा था। बिकॉज, क्योंकि, सी वॉज वॉच्ड, उन्होंने देखा था, हर ओन हस्बैंड मीन्स अपने पति को, गो ब्लाइंड मीन्स अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के ग्लास को जब पॉलिश कर रहे थे उसकी धूल से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, मीन्स आंख से अंधे हो गए थे। बॉर्न इन दी कॉस्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, मीन जन्म लेते हैं बैंगल्स मेकर्स के जाति में जन्म लेते हैं, एंड दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और वे चूड़ियों के सिवा और कुछ देखते नहीं हैं पूरे अपने जीवन में, चूड़ियों के सिवा और इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ देखते नहीं हैं, केवल पूरे जीवन काल में क्या देखते रहते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, वो चूड़ियों से ही संबंध रखते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 का उत्तर हो गया। दो क्वेश्चन और बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, दो क्वेश्चन, ज़्यादा ज़्यादा 5-7 मिनट खत्म हो जाएगा, आप लोग थको नहीं, आप लोग लिखते चलो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, आप लोग सोचते हो कैसे सब कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता है यार, थोड़ा सा मेहनत किया करो उसके लिए, किसी चीज के लिए। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, बैंगल जो है किसकी जो है सिंबलाइज मीन्स किसकी पहचान है, जो है सिंबल मीन्स होता है जो है बच्चा प्रतीक होता है। व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, चूड़ियाँ किसकी प्रतीक हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल्स, बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, बैंगल मेकर का जो है क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद में बैंगल मेकर की क्या, चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों की क्या भूमिका होती है। ये हो गया बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बैंगल्स किसकी जो है प्रतीक होती हैं, तो सुहाग की प्रतीक, स्त्रियों की सुहाग की प्रतीक होती है ना, तो वही देख लो, दी बैंगल्स
सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह भारतीय स्त्री के सुहाग की पहचान है। स्पेसियसनेस इन मैरिज, स्पेसियसनेस मीन्स होता है शुभ होता है, इन मैरिज मीन्स शादी में, शादी में यह क्या होता है, बेंगल्स शुभ होता है, मीन्स चूड़ियाँ शुभ होती हैं, और इसीलिए कहते हैं, अभी इसका उत्तर बच्चों बचा हुआ है, इसीलिए कहते हैं जैसे जब एक स्त्री का पति मर जाता है तो अपनी चूड़ियाँ अपनी पूरे लाइफ टाइम नहीं पहनती है, मीन्स जब वह विधवा हो जाती है तो चूड़ियाँ नहीं पहनती है, विधवा की जीवन बड़ी खराब जीवन होता है। अब तो ठीक ठाक कंडीशन हो गई, पहले तो सती प्रथा था कि पति के साथ पत्नी को ही जला दिया जाना, बहुत खराब पहले प्रथाएं थी, अब तो सुधार दिया गया है उन सारी चीजों को, लेकिन अब तो जो है पति के मृत्यु के बाद पत्नी दूसरी शादी भी कर सकती है, ये सारी चीजें, हालांकि फ्रीडम मिल गई, बहुत सही हुआ है, सिस्टम में कुछ परिवर्तन हुआ, बहुत सही हुआ, नहीं तो बहुत खराब कंडीशन पहले की थी। ठीक है, तो चलो, तो द बेंगल सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक स्त्री के सुहाग की प्रतीक होती है। स्पेसियसनेस इन मैरिज, शादी में क्या होता है, शुभ होता है। आगे इसके देखते हैं हम लोग, और इसका जो बच्चों उत्तर था, फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने वाले लोगों की क्या भूमिका होती है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, दी बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, बेंगल मेकर्स फिरोजाबाद की चूड़ियां बनाने वाले लोग, हैव स्पेंट जनरेशंस टू मेकिंग कलरफुल बेंगल्स, मीन्स अपनी पीढ़ियां बिता देते थे, मीन्स रंग बिरंगे बेंगल्स को बनाने के लिए पीढ़ियां बिता देते थे, फॉर ऑल वुमेन इन दी कंट्री बट दे आर स्टिल इन पॉवर्टी, और सभी स्त्रियां जितनी भी वहां पर स्त्रियां थी जो है उस एरिया की, सभी स्त्रियां बेंगल्स बनाने में क्या करती रहती थी, लगी रहती थी, बट दे आर स्टील इन पॉवर्टी, लेकिन अभी भी वे क्या थे बच्चों, गरीब थे, पॉवर्टी में थे, अभी भी वे गरीबता में रह रहे थे, हालांकि वे बना रहे थे चूड़िया, पूरे लोग जो है स्त्रियां बना रहे थे, लेकिन वहां के निवासी अभी भी गरीब बने हुए थे। बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं, फिर हम लोग 2 मिनट की बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख करा लेते हैं, फिर हम लोग आपसे बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या है, वाई कुड दी बेंगल मेकर्स, क्यों चूड़ियाँ बनाने वाले नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते थे, चूड़ियाँ बनाने वाले लोग सहकारी समिति बना करके क्यों नहीं रहते थे, वाट डूड दे फेस इफ दे डू सो, यदि वे सहकारी समितियाँ बना लें तो वह किन प्रकार की परिस्थितियों का सामना करेंगे। तो बच्चों यहां पर एक था जो एक जैसे राइटर ने कहा था कि जो है सलाह दिया था कि सहकारी आप लोग समिति बना लीजिए, राइटर ने वहां के लोगों को कहा था कुछ लोग मिलकर के एक सहकारी समिति बना लीजिए, तो उन्होंने वहां के लोगों ने कहा था कि बना तो लेते, कोऑपरेटिव समिति बना तो लेते, लेकिन हमारे में कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इन सब में अगुवाई करे, ठीक है, और दूसरी बात अगर बना भी लिए तो पुलिस हमें परेशान करेगी, पुलिस परेशान करेगी, वे हमें झूठे मारेंगे पीटेंगे, जाए एक कहते हैं ना गरीबी का धब्बा मिल पड़ा होना, तो गरीबों का कोई नहीं सुनता है, तो अगर गरीब कुछ भी करेंगे तो लोग उनका शोषण ही करते हैं, शोषण के सिवा कुछ और नहीं करते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, लोगों की कंडीशन अगर आप देखोगे ना बहुत ख़राब है, तो इसलिए आप अगर अपनी आप अपने माँ बाप की कंडीशन को नहीं समझते हो, खुद आप लोग अभी नहीं चीज़ों को समझ पाते हो, समय के साथ चीज़ों को समझ जाओगे, हालांकि ठीक है कोई बात नहीं है, तो यहाँ जाओ, तो उन्होंने क्या समस्या बताई थी, कहा था कि वे लोग वहाँ के लोग मीन्स सरकार के लोग और मीन्स पुलिस मुझे पीटेगी, ये सब करेगी, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं क्या लिखे हुए, दी बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देम सेल्फ, एक नहीं हो सकते थे इन टू कोऑपरेटिव, मीन्स सहकारी समिति नहीं बना सकते थे, बिकॉज क्योंकि दे हैव फॉलन इन टू दी विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, क्योंकि वे लोग फंसे हुए थे विशियस सर्कल मीन्स दुष्चक्र, दुष्चक्र में आप मिडल मीन्स मध्यवर्गीय, मध्यवर्गीय व्यक्तियों के समूह के दुष्चक्र में, क्योंकि वे लोग क्या हुए थे जो है फंसे हुए थे, इसलिए वे सहकारी समिति नहीं बना सकते थे, इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते दे विल बी हॉल्ड अप, उन्हें निकाल दिया जाता या परेशान किया जाता बाय द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा उन्हें हॉल्ड अप किया जाता, बीटेन पीटा जाता, एंड ड्रैग्ड मीन्स खींचा जाता, ड्रैग्ड टू जेल, और उन्हें कहाँ खींचा जाता था, जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अनैतिक कार्य, इलीगल मीन्स अनैतिक, मीन्स जो नियम विरुद्ध हो, मीन्स नियम विरुद्ध कार्य करने की वजह से उन्हें ड्रैग्ड किया जा सकता था, कहाँ पर, जेल में भी ड्रैग्ड किया जा सकता था, इसलिए वे
मीन्स वहाँ के लोग कोऑपरेटिव समिति नहीं बनाना चाहते थे, मीन्स वहाँ फिरोजाबाद के लोग। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो गया? द बेंगल मेकर्स कुडंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव बिकॉज दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन। इफ दे डू सो देन दे विल बी हॉल्ड अप बाई द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू सेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 10 क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। एक बार हम लोग क्वेश्चन किताब से देख लेते हैं। बच्चों यही देखिए, सारे क्वेश्चन हैं जो हमने कराए हुए हैं, सारे क्वेश्चन यही हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके ये थे, हमने 10 क्वेश्चन का उत्तर करा दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन एक कराएंगे, हमने इसके बारे में आपको पूरे रीजन बता दिए हैं एक एक्सप्लेनेशन क्यों कराते हैं। उसके बाद बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे। वीडियो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आएगा, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। बच्चों क्यों होगा, पूछो क्यों होगा? इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, तो 6 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में लाएंगे। अगला जो है, जो वीडियो आएगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आएगा, 6 क्वेश्चन का एक ही वीडियो रहेगा। एक ही वीडियो में 6 क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाए, कोई बात नहीं, 6 क्वेश्चन आपका उसी में कवर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी का, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हमने एक वीडियो भी जो है उसमें बना देंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है एक वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा देंगे। तो फिर ये चैप्टर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, खत्म, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, मीन्स लास्ट स्प्रिंग का चैप्टर आपका फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाल बटन जो दिख रही होगी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और सबसे लास्ट बात, सबसे अहम बात, लास्ट बात, सबसे अहम बात, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, दूरी मेंटेन बना के करेंगे, और कहते हैं जान है तो जहान है, तो सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, चैनल को शेयर, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, जितनी आपके स्कूल फ्रेंड हैं, जो भी जहाँ से भी हैं, 12th के बच्चे, जो भी आपके साथी हैं, उन सभी बच्चों तक शेयर करिएगा, और उन्हें बताइएगा कि आपकी क्लासें इस ढंग से चल रही हैं, सारी क्लास की वीडियो मिल रही हैं। आप उनसे बोलिएगा कि ऐसे ऐसे चल रही है, सारी क्लास ऐसे ऐसे चल रही है, तो चीज़ें शेयर करोगे तो उन्हें समझ में आएगा, नहीं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ से करें, क्योंकि ये जो है पहला चैप्टर भी करा चुके हैं, दूसरा चैप्टर भी यहाँ तक करा दोगे, उन्हें समझ नहीं आएगा, तो उन्हें आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि कैसे चल रहा है, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें, एकदम मस्त बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।